हेलो बच्चों, थंबनेल आपको दिखा है LCR सीरीज सर्किट। अगर AC के प्लेलिस्ट में पाए हैं क्लास 12 के फिजिक्स में, तो एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें आपको बताया है मैंने अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होता है और RMS वैल्यू क्या है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा तैयारी करता हूँ LCR सीरीज सर्किट का और कवर करूँगा LCR सीरीज सर्किट। मैंने एक वीडियो 20 मिनट का काफ़ी है कंप्लीट LCR को करने के लिए। अब इस पर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बना दी जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाती है। तो अगर LCR सीरीज सर्किट हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको करना होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू रेसिस्टर, फिर करना होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर, फिर करना होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। बाद में हम तीनों को जोड़ेंगे तब सर्किट होगा हमारा LCR। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेसिस्टर। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू रेसिस्टर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू रेसिस्टर। तो एक सर्किट मैंने आपके सामने रखा है जिसमें सिर्फ एक रेसिस्टर लगाया R, AC सर्किट है। देखिए, अगर सर्किट में बैटरी का सिंबल हम लोग लगा देते हैं या सेल का सिंबल हम लोग लगा देते हैं तो होती है डीसी सर्किट। लेकिन अगर ये कौवा उड़ वाला फोटो लग जाए, ये वाला फोटो, तो हमारा सर्किट होता है AC सर्किट। तो इससे देख के हम लोग पहचान सकते हैं सर्किट हमारा AC है कि DC है। बगल में एक स्विच लगा दिया। लेट ए प्योर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट। लेट ए प्योर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट। दिस सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टिव सर्किट। एंड EMF ऑफ सर्किट इज E=E0 sin ωt। ठीक है, जैसा कि सर्किट में हम लोग देख रहे हैं एक प्योर रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसको मैंने कनेक्ट किया अल्टरनेटिंग सर्किट है की के साथ। जैसे स्विच हम ऑन करेंगे इससे करंट फ्लो करेगा I। लेट I बी द करंट फ्लो थ्रू इट थ्रू द सर्किट। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R, हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R V=IR आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो भी के जगह पे EMF के लिए हम लोग यूज़ करते हैं E = IR, क्योंकि भी वोल्ट है, EMF भी वोल्ट है, तो V=IR, तो E=IR। तो यहाँ से आप I निकाल लीजिए, I = E/R। लेकिन करंट तो है अल्टरनेटिंग, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सप्रेशन हम डालें I के जगह पे I0 sin ωt और E के जगह पे डालें E0 sin ωt। बाकी नीचे भी मेरा R है, दोनों तरफ से sin ωt को अगर हम काट देते हैं तो I0 = E0 / R। एक इसको दिमाग में आप रखिए, इससे हमको ये पता चल रहा है कि I0 और E0 में बड़ा है E0, क्योंकि E0 में R से डिवाइड करते हैं तो I0 का बराबरी करता है। इससे पता चलता है E0 इज R टाइम्स लार्जर देन R, I0। तो E0 बड़ा है, I0 छोटा है। अब E है मेरा E0 sin ωt में और I है मेरा I0 sin ωt में। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि एक तो दोनों साइन में है और दोनों बराबर एंगल पे ωt ωt। तो I और E के बीच में एंगल डिफरेंस कितना, जीरो। और दोनों खुद कितने एंगल पर है, ωt। अब दोनों बड़ा कौन है, E। अभी दोनों बात से हम दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक फेजर डायग्राम और एक टाइम डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे, X-axis, Y-axis। तो जिस लाइन पे हमारा E है उसी लाइन पे हम I भी डालेंगे। इससे पता चला कि दोनों एक लाइन में है, दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है और दोनों खुद कितने एंगल पर है, ωt। और E का टॉप को लिखते हैं E0 और I का टॉप को लिखते हैं I0, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, E, तो छोटा है I, और दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस नहीं है और दोनों खुद ωt एंगल पर है। तो ये दिखाया आपका फेजर डायग्राम। एक हम लोग देखते हैं टाइम डायग्राम। तो चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग EMF है, तो पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया ई, ये हो गया मेरा E = E0 sin ωt। और दूसरा I E से छोटा है, लेकिन चालू दोनों एक जगह से होता है, तो इसको भी चालू हम यहीं से करेंगे, लेकिन हम I को नीचे रखेंगे। I को मैंने नीचे रखा, इसका टॉप को बोला E0, इसका टॉप को बोलूँगा I0। नेगेटिव में इसका टॉप हो गया -E0 और इसका टॉप हो गया -I0 नेगेटिव में। लेकिन ये ग्राफ हम दिखा रहे हैं कि दोनों बड़ा है E, तो ऊपर वाला हो गया E = E0 sin ωt, नीचे वाला I = I0 sin ωt। दोनों बराबर एंगल पे है इसलिए चालू की जगह से किया और बड़ा है E, इसका ख्याल मैंने किया। दिस इज टाइम डायग्राम, ये फेजर डायग्राम। तो ये आपने देखा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू रेसिस्टर। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नोट्स बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ। तो लैंग्वेज में क्या कर रहा हूँ,
मैंने यहाँ लिखा था लेट ए प्योर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, आप फिर से आप वही लिखिए, यही सेम लैंग्वेज को कॉपी करेंगे, सिर्फ बोलेंगे लेट ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट, दिस सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट और ईएमएफ ऑफ सर्किट इज अगेन ई इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार लैंग्वेज फिर से, लेट ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट, दिस सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट एंड द ईएमएफ ऑफ सर्किट इज ई इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। और पिक्चर देखते हैं, मैंने सिर्फ एक इंडक्टर लिया, एसी सर्किट है, स्विच है और इस कॉइल का ईएमएफ हम लोग निकाले हैं सेल्फ इंडक्शन में, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलिए अब एक बात आपको हम पहले से बता देते हैं, देखो रेसिस्टर का काम आप किए हैं, इंडक्टर कर रहे हैं, कैपेसिटर करने वाले हो, तीनों केस में ई जो है वही रहेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कभी बढ़ेगा आई कभी घटेगा तो आई और ई का एंगल को देख के हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ई तो हमारा वही रहेगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोग आई पे दिमाग लगाते हैं, सिंस अब हमारे पूरे सर्किट में कहीं कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं है, सिंस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, क्या बोला, सिंस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ईएमएफ ऑफ सर्किट प्लस ईएमएफ ऑफ कॉइल इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ई दिस इज द ईएमएफ ऑफ सर्किट ई प्लस ईएमएफ ऑफ कॉइल माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज नो पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसको इधर उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस चला जाएगा इधर प्लस में, तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बट हमको निकालना क्या है आई, क्योंकि आपको ऊपर मैंने बोला है ई तो मेरा क्लियर है, देखना है आई, तो यहीं से आई देखिए मेरे को दिख रहा है डी आई इज इक्वल टू ई डी टी बाई एल, डी आई इज इक्वल टू ई डी टी बाई एल, चूंकि ई भी तो मेरा सर्किट का है जो कि ईएमएफ है, तो ई के जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी साथ में डी टी नीचे एल है, तो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल है, बट हमको चाहिए आई। अब जब डी आई से आई चाहिए तो एक ही उपाय है इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी आई का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेट तो हम कर रहे हैं बट कॉन्स्टेंट ई नॉट एल को बाहर निकाल दिए, ई नॉट एल हमारे बाहर हो गए, फंस गए साइन ओमेगा टी डी टी। अब डी आई का इंटीग्रेशन किया तो आई मिला, अब ई नॉट एल तो हमारा कॉन्स्टेंट है, अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का बाई ओमेगा, अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो कांस्टेंट इनटू होता, लेकिन इंटीग्रेशन में यही कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा को बाहर निकाले हैं तो ई नॉट बाई एल ओमेगा तो बाहर आ गए, अब अंदर में बच गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब एंगल हम लोग कैसे देखेंगे, ई है साइन में और आई आ गई कॉस में, तो इस कॉस को साइन में लाना होगा दोनों के बीच का एंगल को देखने के लिए, तो मैथ में एक फॉर्मूला आपके पास से देख लीजिए, माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा फोकस करें देख लें, माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, हम इसको लिख सकते हैं, तो जहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी वहां पर लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब रिलेशन हमारा क्या बना, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा इधर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसको हम लोग आई नॉट सोचते हैं, बाकी नीचे हम काम कर रहे हैं, बट आप इसको सोच लीजिए, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, रिलेशन तो हमारी आ गई, हम यहाँ से आई और ई के बीच में एंगल देख सकते हैं, ई था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसे ही पता चल रहा है कि ये भी साइन में है वो भी साइन में है बट ये 90 डिग्री नीचे है, लेकिन जो इस बात को हमने किया ई नॉट बाई एल ओमेगा के जहाँ पे हम लोग क्या सोचे आई नॉट, तो I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा। अच्छा सोचो जब I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई नीचे क्या होता है, नीचे होता है R, बट ये रेसिस्टिव सर्किट तो है नहीं, ये सर्किट है इंडक्टिव, तो यहाँ R के जगह पे हम लोग एक नया R लिखेंगे, दिस इज XL, दिस इज XL, तो I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई XL, जहाँ XL जो है ये बिल्कुल काम करता है R का, यूनिट इसका फिर से बोल देता हूँ ओम है, आर करंट अपोज करता है रेसिस्टिव सर्किट में, एक्सएल करंट अपोज करता है इंडक्टिव सर्किट में, यानी कि एक्सएल जो है इसका नाम मैं बोल रहा हूँ एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, बट ई भी एक टाइप का रेसिस्टेंस है, ये भी एक टाइप का विरोध है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में करंट का विरोध करता है, इट्स यूनिट इज ओम, इट्स यूनिट इज ओम, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। अब एक्सएल क्या था, एक्सएल एक टाइप का रेसिस्टेंस है लेकिन सर्किट हमारा इंडक्टिव है तो इसका नाम हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस डाले हैं, इसका यूनिट होता है ओम। अब एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, यहीं से हम देख सकते हैं एक्सएल को किसके बराबर हम लेते हैं एल ओमेगा, ये फॉर्मूला को मन मन कम से कम 5 बार आप रिपीट कर लीजिए, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, क्योंकि लगभग न्यूमेरिकल्स में रिलेशन यूज हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और एल तो एल है
और ओमेगा के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई न्यू, जहाँ न्यू हो गए हमारी फ्रीक्वेंसी। एल तो हमारा इंडक्टेंस है, हमको मिलेगा 2 हेनरी, 4 हेनरी, 5 हेनरी, 50 हेनरी, 2 2, पाई का मतलब पाई, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के खेल पर हम लोग एक्सएल एसी डीसी का देखेंगे। जैसे कि हम लोग सुने हैं डीसी का फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सएल भी हो जाएगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 तो पूरा पार्ट 0 कर देगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला कि अगर सर्किट से डीसी करंट फ्लो होगा तो एक्सएल मतलब विरोध मतलब अपोजिशन मतलब रेसिस्टेंस मिलेगा 0, यानी कि नो अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन केस ऑफ डीसी। अगर हमारे सर्किट से डीसी करंट फ्लो होता है तो एक्सएल जीरो होने का मतलब है कि आपका रेसिस्टेंस 0 हो गया, करंट विरोध नहीं होगा, यानी कि डीसी कैन इजिली फ्लो थ्रू सर्किट या इंडक्टर, डीसी कैन इजिली फ्लो थ्रू इंडक्टर, क्योंकि डीसी करंट फ्लो में एक्सएल 0 है, विरोध 0 है, यानी करंट इजिली फ्लो करेगा। लेकिन अगर एसी मीटर का बात हम लोग करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिनाइट होती है, जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी फिनाइट होगा तो एक्सएल फिनाइट होगा, मतलब एक्सएल कुछ होगा और एक्सएल कुछ होगा मतलब विरोध कुछ होगा, और विरोध कुछ होगा मतलब एसी को विरोध मिलेगा, मतलब एसी कैनॉट इजिली फ्लो थ्रू इंडक्टर, एसी कैनॉट इजिली फ्लो थ्रू इंडक्टर। अब एक्सएल का स्टेटमेंट, एक्सएल कहते किसको है, मैंने आपको बोला एक्सएल एक टाइप का रेसिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, द अफेक्टिव अपोजिशन द विरोध, द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमको ग्राफ देखना है। अब ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फेजर डायग्राम, थोड़ा यहाँ देखेंगे अपने लाइन पे कौन है ई, और ये खुद कितना एंगल पे है ओमेगा टी, और आई उससे 90 डिग्री नीचे है, जैसा कि रिजल्ट में हम लोग देखे हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो आई इससे 90 डिग्री नीचे हो गया, ई दोनों के बीच में एंगल है हमारा पाई बाई टू का, ये 0। तो इसका टॉप पे हम लोग दिखा देते हैं ई नॉट, आई इसका टॉप पे दिखा देते हैं आई नॉट, इट इज फेजर डायग्राम। बट एक टाइम डायग्राम अगर हम आपको दिखाएं तो टाइम डायग्राम में हम लोग बात करेंगे अपने रियल लाइन पे कौन है, रियल लाइन पे ई है, ई को अपने रियल लाइन से खींचते हैं रियल, आई 90 डिग्री नीचे से, यानी कि ये स्टार्ट होगा नीचे से, तो इसको नीचे से स्टार्ट करना ई है ई, और आई को नीचे से स्टार्ट करना, बीच से घुसाएंगे, फिर बीच से निकालेंगे, फिर ऐसे घुसाएंगे। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग दोबारा देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को हमको दोबारा आपको दिखाना है, तो ये ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखा, ये है ई का, दिस इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई नीचे से स्टार्ट होगा, तो आई को स्टार्ट करेंगे नीचे से, घुसाएंगे बीच में, फिर निकालेंगे बीच से, फिर घुसाएंगे, और ये ध्यान देना है इसका एम्पलीट्यूड, इसका पीक हमेशा नीचे से कम हो, ई से कम होगा, क्योंकि आई ई से कम होता है। इसके बगल में बता दें आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो नीचे से स्टार्ट हुआ, बीच से घुसा, टी बाई फोर से घुसा, और यहाँ 3T/4 से निकला, ये तो टी बाई टू है। इट इज़ टाइम डायग्राम, इट इज़ फेजर डायग्राम। तो ये था आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। इसके लिए भी वही लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे, लेट ए प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट, सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव सर्किट, एंड ईएमएफ इज अगेन सेम अप्लाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ ई जो है वही रहेगा, आई चेंज होता है, कभी 90 डिग्री ऊपर, कभी 90 डिग्री नीचे, और उसी से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। सर्किट देखिए, मैंने केवल एक कैपेसिटर लिया, अल्टरनेटिंग सर्किट स्विच, लेट आई बी द चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, लेट क्यू बी द चार्ज फ्लो थ्रू कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हम लोग कैपेसिटेंस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही लेके आ रहे हैं, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी, बट भी को हम लोग ई में रेफर कर रहे हैं, तो क्यू इज इक्वल टू जब सी ई हो गया तो ई हमारा ई एम एफ का है, इसको खोल देते हैं, क्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में रहा मेरा सी, क्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, बट हमको तो लाना है आई, तो Q से I लाने का एक ही रास्ता है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट, dQ by dt इधर कॉन्स्टेंट को निकाल दिया, C और E नॉट को बाहर निकाल दिया है, बाकी डिफरेंशिएशन में फंसा दिए साइन ओमेगा टी को। अगर इसको यहाँ देखें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dQ by dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा E नॉट C बाहर हो गया,
और डिफरेंशिएशन में आ गया d बाई डी टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या बना, आई। डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या बन गया, आई। और इधर कॉन्स्टेंट हमारा ई नॉट ऑफ सी हमारा बाहर था, लेकिन जब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किए तो आ गया कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किए तो हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इस लाइन को मैं थोड़ा दोबारा दिखाता हूँ, बाहर किसी साउंड के इशू के कारण हम थोड़ा सा यहाँ रुक जा रहे हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दे, ई नॉट सी बाहर फंसा साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा हमारा बाहर आ गया। अब आ गया आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई वन बाई सी ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पार्ट हमारा चल जाएगा ऊपर, इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कॉस ओमेगा टी के जगह पे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई तो हम निकाल चुके हैं बट ये है कॉस में, आई हम निकाल चुके हैं बट ये है कॉस में। और अगर हमको दोनों का एंगल देखना है तो हमको इसको देखना होगा साइन में, तो कॉस के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दोनों साइन में आ जाएगी। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट वन बाई सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसके जगह पे हम लोग क्या सोचते हैं, आई नॉट, इसके जगह पे हम लोग सोचते हैं आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आई दिख गई, ई दिख गई, दोनों से हम डायग्राम खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम यहीं पर दिखा दें तो अपने जगह पे कौन है, ई, ई अपने जगह पर है और आई इससे 90 डिग्री ऊपर है, यानी कि ई हम यहाँ दिखाएंगे, इससे 90 डिग्री का गैप देखें और ये एंगल हो गया हमारा ओमेगा टी। इस पे रहा मेरा ई और इस पे रहा मेरा आई, इसका टॉप आई नॉट, इसका टॉप ई नॉट। अरे फिर से, ई तो अपने जगह पे है, बढ़ा कौन, आई, कितना, इससे 90 डिग्री ऊपर, देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इस पॉइंट पे फोकस करें, ये पॉइंट हमारा किसका है, आई नॉट का, तो आई नॉट के जगह पे है ई नॉट बाई वन बाई सी ओमेगा, ई नॉट बाई वन बाई सी ओमेगा। लेकिन नीचे का पार्ट किसका है, आर का, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, आर का, बट आर के जगह पे यहाँ लिखेंगे एक्सी। देखिए ये सर्किट ना तो हमारा इंडक्टिव है ना तो हमारा रेसिस्टिव, ये सर्किट है कैपेसिटिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो आर का काम करेगा वो हो गया एक्सी, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी। एक्सी का नाम हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी हो गया हमारा कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी करंट विरोध करता है बट कैपेसिटिव सर्किट में। तो एक्सएल हो या एक्सी हो, एक्सएल हो या एक्सी हो या आर हो, सब एक टाइप का रेसिस्टेंस या करंट विरोध करता है, बट ये करता है इंडक्टिव सर्किट में, ये करता है कैपेसिटिव सर्किट में, ये करता है रेसिस्टिव सर्किट में, तीनों के रूटों में। अब एक्सी इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा, अब एक्सी इज इक्वल टू जब वन बाई सी ओमेगा हो गया तो सी को छोड़ दें, ओमेगा टू पाई न्यू, फिर डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो, तो वन बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी, यानी कि डीसी जब फ्लो करेंगे कैपेसिटर से तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को क्रिएट कर देगा, डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। जबकि एसी का फ्रीक्वेंसी कुछ होता है तो वन बाई कुछ यानी समथिंग फिनाइट वैल्यू होगा, कैपेसिटर ऑफर्स अ स्मॉल अपोजिशन, यानी कैपेसिटर स्मॉल अपोजिशन लगाएगा एसी में जबकि डीसी को तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब दोनों ग्राफ हमको देखना था, टाइम डायग्राम, फेजर डायग्राम, ऊपर आपने देखा फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम यहाँ फिर से मैं दिखा देता हूँ टाइम डायग्राम के साथ। अपने जगह पे कौन है, ई, आई इसे 90 डिग्री ऊपर, तो ये हो और खुद ई ओमेगा टी एंगल पर है, तो दिस इज ई, दिस इज हमारा आई, इसका टॉप ई नॉट, इसका टॉप आई नॉट, ये दोनों के बीच में एंगल कितना 90। अब फेजर डायग्राम हम लोग टाइम डायग्राम देखते हैं, अपने रियल जगह पे कौन है, तो अपने रियल जगह पे हमारा ई है, आई का हालत क्या है, आई है इससे 90 डिग्री ऊपर, तो ये चालू हुआ ऊपर से, आया बीच में, फिर घुसा बीच से, फिर निकलेगा यहाँ, तो दिस इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जैसा कि देखें खाली ये पकड़ना है, ये 90 डिग्री ऊपर, इंडक्टर 90 डिग्री नीचे और रेसिस्टर अपने लाइन में, जब तीनों हमारे पास आ गए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सी इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सी इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा, ये दो चीज़ को आप मन मन में रिपीट करते रहे, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सी इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा। एक्सएल हो या एक्सी हो, दोनों करंट अपोजिशन है, दोनों करंट विरोध करेगा, बट एक इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। अब हम लोग मिलते हैं आपसे एलसीआर सीरीज सर्किट, थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे, लेट ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, प्योर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन एसी सर्किट,
ईएमएफ ऑफ सर्किट इज ई इक्वल टू इनवर्स साइन ओमेगा टी। मैंने एक इंडक्टर लिया एल, एक कैपेसिटर लिया सी, एक रेसिस्टर लिया आर, अब तीनों को सीरीज में जोड़ा है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी सी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी आर। एसी सर्किट है स्विच के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एल, तो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, बट यहाँ पर हम करेंगे वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल क्योंकि इंडक्टर का मीटर है। लेकिन ये लीड करंट बाय एंगल पाई बाई टू, इंडक्टर 90 डिग्री करंट से ऊपर है, ये मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा कि इंडक्टर करंट से 90 डिग्री, करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब ऊपर है। लीड करंट आई बाय एंगल पाई बाई टू कौन, वी एल। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी, तो वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी क्योंकि कैपेसिटर का है। लेग बिहाइंड करंट आई बाय एंगल पाई बाई टू, माने कि करंट से पाई बाई टू नीचे गया है, नीचे वी सी नीचे है करंट से, नीचे एक्स एक्सिस में करंट लिया, ऊपर के एक्सिस में वी एल लिया, नीचे के एक्सिस में वी सी लिया। तो मैं यही बता रहा हूँ कि वी एल इससे लीड कर रहा है, वी सी इससे लेग बिहाइंड है, मैंने पीछे है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर आर, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ये रेसिस्टर का, ये कैपेसिटर का, इंडक्टर का, और ये इन द फेज ऑफ करंट। वी आर जो है करंट के फेज में, करंट के लाइन में है, करंट के डायरेक्शन में है। अब इस पिक्चर को देखिए, अगर इधर वी एल वी आर है, ऊपर वी एल है, नीचे वी सी है, तो वी सी को अगर ऊपर दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर है वी एल, नीचे है वी सी, इसको हम बोल सकते हैं वी एल माइनस वी सी। तो ये लाइन हो गई वी एल माइनस वी सी की, ये लाइन हो गई वी आर की। अब इसको बना देते हैं इक्विलिब्रियम लाइन, जिसको हम लोग ई बोलेंगे। करंट, करंट भी इसी लाइन पर है। तो अब अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, क्लास 11th के वेक्टर में आप देखें पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। आइए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो ओ बी को हम क्या बोल रहे हैं, ई, तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, क्या है बी सी, यही है वी एल माइनस वी सी, क्या हो गया वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे हमारा वी आर है, वी आर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर को इधर रूट चढ़ा दिए, तो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का रूट अंडर। अब वी एल को खोलते हैं, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी स्क्वायर में। अब वी को खोला आर को, तो आई आर बट स्क्वायर में है। अब दोनों तो पार्ट से आप आई को कॉमन ले लीजिए, रूट से बाहर, तो यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर, देखिए स्क्वायर तो ऊपर ही था, आई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला तो निकल गया आई, इधर बचा एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर का स्क्वायर ई बाय आई। अब ई बाय आई में तो हम पहुँच गए, ई बाय आई बोले तो आर, ई बाय आई बोले तो आर, बट ये किसका है, ये है हमारा एल सी आर का। तो एल का आर एक्सएल है, सी का आर एक्सी है, बट एल सी आर का आर हमारा जेड है। तो E बाई आई इज इक्वल टू जेड, दिस इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। यानी कि जेड को बोलते हैं इम्पिडेंस, जेड हमारा इम्पिडेंस है, यूनिट हमारा ओम है। तो इम्पिडेंस क्या है, द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाई एल सी आर सर्किट, द अफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाई एल सी आर सर्किट। तो जेड इज इक्वल टू ई बाई आई, या तो ई नॉट बाई आई नॉट, या तो ई आर एस बाई आर एस इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट अंडर। और एक्सएल की जगह पे आप लिख सकते हैं एल ओमेगा, एक्सी की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस मैथमेटिकल काम को थोड़ा सा बैक करें, रिपीट करें, देखें, मैथ है और जेड हमारा है इम्पिडेंस, यूनिट है ओम। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना है, जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्सएल हम खोलते हैं एल ओमेगा में, माइनस एक्सी हम खोलते हैं 1 बाई सी ओमेगा में स्क्वायर, बाकी आर स्क्वायर है। तो ये तो हमारा इम्पिडेंस। इसी में एक वर्ड आता है एडमिटेंस, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। अब जब हम इम्पिडेंस निकाल चुके तो हमको निकालना फेज, लेट फाई बी द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। पिक्चर में देखिए, लेट आई बी द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई, सो चूंकि हमको परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो लगा देते टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू बी सी बाई ओ सी, बी सी बाई ओ सी। तो बी सी क्या है, वी एल माइनस बी सी, वी आर क्या है आर, ओ सी क्या है वी आर है। तो वी एल की जगह पे आई एक्सएल, बी सी की जगह पे आई एक्सी, वी आर की जगह पे आई आर, दोनों साइड से आई को कॉमन लेकर काटा है तो मिला एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सएल की जगह पे एल ओमेगा, एक्सी की जगह पे माइनस वन बाई सी ओमेगा आर। तो दिस इज टेन फाइव, टेन फाइव इज द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। तो ये वीडियो चलो ठीक है, मैंने आपके सामने करीबन 24 मिनट का बात किया, बट इस पूरे समरी में बात आई है एल सी आर सीरीज सर्किट आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले करना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर, नहीं सॉरी, सबसे पहले करना अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू रेसिस्टर, फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर, फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर, और फिर तीनों को जोड़ना होगा। और यहाँ पर देखना होगा
लेग बिहाइंड मतलब नीचे, लीड मतलब ऊपर, इन फेज मतलब दिशा में। ऊपर था VL, नीचे था VC, जब इसको ऊपर हम दिखाएं तो हो गया VL माइनस VC, इसी को सामने में लिए VL माइनस VC, परपेंडिकुलर लॉ यूज किए मतलब पैरेललोग्राम लॉ यूज किए और हमारा काम हो गया। तो इस पूरे में अगर दो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला बोले तो XL इज इक्वल टू L ओमेगा, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा और Z इम्पिडेंस हमारा हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बट यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा फोकस करें, अगर हमारे सर्किट में LCR तीनों है तब तो रिजल्ट में तीनों रहेगा, बट अगर कोई एक ना हो जैसे L नहीं हो तो सिर्फ इसको जीरो कर देंगे, ये दोनों पर रिजल्ट होगा, या XC ना हो तो सिर्फ ये जीरो कर देंगे, दोनों पर रिजल्ट हो जाएगा, या R ना हो तो ये इसको जीरो कर देंगे, दोनों पर रिजल्ट हो जाएगा। तो Z हमारा LCR का भी होता है, LR का भी होता है, CR का भी होता है, LC का भी होता है, तो इसमें से जो नहीं होगा उस पार्ट को हम जीरो कर देंगे। L नहीं होगा तो XL जीरो हो जाएगी, C नहीं जीरो होगा तो XC जीरो हो जाएगा, R नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे तीनों का रिजल्ट तो आपके सामने है, बट आपको दो का रिजल्ट में भी काम कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन के लिए वीडियो आपका ठीक होता है, आप क्लास में पढ़ते हैं एक बार रिवीजन इसका कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके आगे टॉपिक पावर कंज्यूमिंग LCR सर्किट, चाहे पावर फैक्टर, रेजोनेंस, थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें।